All right, viewers, you are tuned in to Sports 360 with Hamad Siddiqui. और जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त इंग्लैंड के दौरे पर मौजूद है और पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है जो कि 5 अगस्त से शुरू हो जाएगी. आपको थोड़ा सा पहले लिए चलते हैं कि अब तक दोनों टीमों के दरमियान कितनी सीरीज खेली जा चुकी है. जी, 1954 से लेके 2018 तक दोनों टीमों के दरमियान 83 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से 21 पाकिस्तान ने और 25 इंग्लैंड ने जीते, वाइल 37 एंडेड इन अ ड्रॉ. तो ये तो अब तक की है कि किसी टीम को कोई वाज़े बर्तरी हासिल नहीं है, इंग्लैंड को या पाकिस्तान को. पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक हमेशा से इंग्लिश कंडीशन में ज़बरदस्त रहा है और उसकी वजह के मैच विनिंग बॉलर्स, विकेट टेकिंग बॉलर्स वकार यूनस, वसीम अकरम, आकिब जावेद, शोएब अख्तर, अजहर महमूद, अब्दुल रजाक, ये ऐसे बॉलर्स हैं जो विकेट लेना जानते थे. और उसके बाद से आप आ जाएं तो एक मोहम्मद आमिर और फिर मोहम्मद आसिफ, ये थोड़ा सा अनलकी फेस रहेगा. क्यों? ये वो बॉलर्स थे जो जिन्होंने पाकिस्तान को मैचेस बहुत आसानी जिताया, हमेशा जिताया. लॉर्ड्स ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही. लेकिन जिस सीरीज़ की रिसेंटली मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट 2018 में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टू टेस्ट मैचेस सीरीज थी जो कि 1-1 ड्रॉ रही. इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच लीड्स में बाय एन इनिंग्स एंड 55 रन से जीता, जबकि पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स के ग्राउंड में, जी हाँ, लॉर्ड्स के तारीखी ग्राउंड में पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच 9 विकेट से जीता, जिसमें मोहम्मद अब्बास ने 8 विकेट हासिल की. लेकिन इस मैच की एक और ख़ास बात, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप. जी हाँ, पाकिस्तान ने 363 रन स्कोर किए, जिसमें टॉप ऑर्डर ने 4 हाफ सेंचुरी स्कोर की, जिनमें अजहर अली, बाबर आजम, असद शफीक और शादाब खान. जी हाँ, ऑलराउंडर शादाब खान, टेल एंडर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो भी कंट्रीब्यूट करता है, तो टीम की जो लोअर डाउन द ऑर्डर्स है वो थोड़ा फाइट शो करते हैं. लेकिन इस वक्त हम आपको बताते चलेंगे बाबर आजम के बारे में बेतहाशा बातें हो रही हैं. बाबर आजम इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 तो नहीं, लेकिन टॉप 5 बैट्समैन या टॉप 3 बैट्समैन में उनका नाम आता है. तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ भी बाबर आजम के लिए बहुत अच्छी रहे और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए. बाबर आजम T20 और वनडे के लिए पाकिस्तान के कैप्टन अपॉइंट हो चुके हैं. पाकिस्तान इस सीरीज़ में टेस्ट मैचेस के अलावा 3 T20 मैचेस भी खेलेगा. रिसेंटली पाकिस्तान नंबर 1 से इस वक्त नंबर 4 पे आ चुकी है. 2 से 3 साल के अरसे में पाकिस्तान ने अपनी नंबर 1 पोजीशन जो है वो रिटेन की T20 फॉर्मेट. बॉलिंग